नमस्कार बंधुरा स्मार्ट गैलेक्सी इन कोलैबोरेशन विथ अन एकाडेमी यूट्यूब चैनले तुम्हादेरके स्वागत। बंधुरा एखन तुम्हादेर सामने जो भिडियोटी आना हयेछे सेटी हलो तुम्हादेर आबगारी कन्स्टेबल मेन न्यू भैकान्सि कलकाता पुलिश एबं डब्ल्यूपी कन्स्टेबलेर तुम्हादेर जे प्रैक्टिस सेट आकारे मक टेस्टेर क्लास नेওয়া হচ্ছিল मिक्सड मक टेस्ट जिके एर उपरे तार सेट नम्बर 10 एर आगे बंधुरा 9खाना भिडियो मक टेस्ट आकारे तुम्हादेर करे देवा हये गेछे जार लिंक तोमरा डेस्क्रिप्शन बक्से पेये जाबे एबं सम्पूर्ण फ्री पीडिएफ लिंक तोमरा आमादेर टेलिग्राम चैनेले पेये जाबे जार लिंकও तोमरा डेस्क्रिप्शन बक्से देवा आछे। आमादेर बालुरघाट दक्षिण दिनाजपुर मेन ब्रांच एछाड़ा पुरुलिया बर्धमाने तोमरा अवश्यई इन्स्टिट्यूशनल कोचिंगের मध्य दिए किन्तु तोमरा आवासिक कोचिंगের मध्य दिए तोमरा नतून भ्याकेंसिर किन्तु प्रिपारेशन शुरू हये गेछे जार जोन्नो तोमरा डेस्क्रिप्शन बक्से देवा कन्टैक्ट नम्बरे कन्टैक्ट करते पारो। आर जारा जारा बाड़ीते बसे प्रिपारेशन निते आइछो तारा कुरियर सार्विसेर मध्य दिए अवश्य से स्टाडी मेटेरियल कम्बाइंड लेवल प्रिलि प्लस मेन सह अन्य जेको परीक्षार जो होक ना कें सम्पूर्ण स्टाडी मेटेरियल बाड़ीते अर्डर कर तरह डेस्क्रिप्शन बक्से देवा कन्टैक्ट नम्बर तुम्हारे कन्टैक्ट करते हैं। एछाड़ाओ सम्पूर्ण इबुक पीडिएफ लिंक पार्ट पार्ट कर तुम्हारे अवश्य डेस्क्रिप्शन बक्से देवा आछे। तो तुम्हारा आगे निजेरा उत्तर देवार चेष्टा कर आज के जे सकल प्रश्नगुलो तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करते चले तारपरे आमार उत्तरटा देखबे एबं अवश्य चेष्टा करबे जाते तुम्हारे 30 मध्य 20 स्कोर अवश्य हये थाके। तो समय नष्ट ना करे शुरू करते चले आजके जे प्रथम प्रश्नटी सेटी निये। आजके तुम्हारे प्रथम प्रश्नटी हलो आर्यदेर जे बसत बाड़ी सेटा साधारणत किसेर द्वारा तैरी करा हतो काठेर ईंटेर लोहार ना पाथरेर। तो बंधुरा तुम्हारे जो प्रथम प्रश्नटी आछे प्रथम प्रश्नटी सठिक उत्तर हलो अपशन बी अर्थात आर्यदेर जो बसत बाड़ी छिलो सेटा किन्तु किछुटा हलो एकटु मडिफाइड छिलो ठीक आछे सेटा किन्तु अवश्य ईंटेर तैरी करा हतो पोड़ा ईंटेर किन्तु सेगुलो तैरी करा हतो ठीक आछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो महाकाब्यर जुगे आर्यरा भारतेर कोन दिके विस्तार लाभ करेछिलो पूर्व भारते पश्चिम भारते उत्तर भारते ना दक्षिण भारते। तो बंधुरा तुम्हारे जो 2 नम्बर प्रश्नटी आछे 2 नम्बर प्रश्न सठिक उत्तरटी हलो अपशन सी अर्थात उत्तर भारते किन्तु आर्यरा मेनलि भारते किन्तु उपनिवेश स्थापन करेछिलो सेटा मेनलि किन्तु उत्तर भारते। कोन समय भारतेर सबुज विप्लबेर परिकल्पना ग्रहण करा हयेछिलो प्रथम पंचवार्षिकी परिकल्पनाय तृतीय पंचवार्षिकी परिकल्पनाय द्वितीय पंचवार्षिकी परिकल्पनाय ना चतुर्थ पंचवार्षिकी परिकल्पनाय। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं ये प्रश्नटा किन्तु परीक्षाय जे कोनो परीक्षाते बार बार आसते देखते पाओया जाय पीएससी होक बा डब्ल्यूपीर क्वेश्चन पेपारई होक ना केन। तो बंधुरा बोले दी प्रत्येकटा पंचवार्षिकी परिकल्पनाय किन्तु आलादा आलादा गुरुत्व रयेछे यदि एखाने तोमादेर आमि एक एक करे बोली प्रथम पंचवार्षिकी परिकल्पना किन्तु कृषि क्षेत्रेर उपरे किन्तु जोर देওয়া হয়েছিল যেটা তোমাদের হ্যারল্ড হোভার মডেল বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শিল্পক্ষেত্রের পাশাপাশি মানে কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল শিল্পক্ষেত্রে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তাই কিন্তু তৃতীয় এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিন্তু সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে মহলমনীষ পরিকল্পনা বলা হয় যেটাও তোমাদের বারবার কিন্তু পরীক্ষায় আসতে দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে। এছাড়াও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী যে পরিকল্পনা সেখানে যে গরিবি হটাও যে স্লোগানটা কিন্তু এই সময় কিন্তু দেওয়া হয়েছিল ठीक है। तो ये सकल तथ्यगुलो तुम्हारा पारले किन्तु नोट डाउन अवश्य करे नेबे। चा उत्पादनेर जोन्नो कोन देश अग्रणी भूमिका पालन करे भारत ब्राजिल किउबा ना जार्मानी। तो 4 नम्बर प्रश्न तुम्हारे सठिक उत्तर हलो अपशन ए अर्थात भारत हलो विश्वेर मध्य प्रथम स्थान अधिकार करेछे चा उत्पादने कफि उत्पादने करेछे सेटा ब्राजिल ठीक है। कोन फसलके तृष्णार्त फसल बला हय पाट आँख गम ना धान। तो तुम्हारे 5 नम्बर प्रश्न सठिक उत्तरटी हलो तृष्णार्त जो फसल बला है तो सेटा हबे तुम्हारे अपशन डी अर्थात धान के तुम्हारे तृष्णार्त किन्तु फसल बला हये थाके कारण प्रचुर परिमाणे जल किन्तु शोषण करे थाके ठीक आछे। कोन अंचल रासायनिक आबहबिकार अधिक हय कोन अंचले मरु अंचले सावाना जलवायु अंचले क्रांतीय मौसुमी अंचले ना मरुप्राय अंचले। तो तुम्हारे 6 नम्बर प्रश्नटी आछे सेई 6 नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हलो क्रांतीय मौसुमी अंचले किन्तु रासायनिक आबहबिकारटा सबचेये बेशी परिमाणे हये थाके ठीक है। सो अपशन सी है तुम्हारे किन्तु सठिक उत्तर। 7 नम्बर जो तुम्हारे प्रश्नटी रयेछे सेटी हलो कोन शिलाय एक्सफोलिएशन देखते पावा जाए ग्रानाइट बैसाल्ट मार्बल ना स्लेटे। तो 7 नम्बर प्रश्न तुम्हारे सठिक उत्तर हलो अपशन ए अर्थात ग्रानाइट शिलाय तुम्हारे एक्सफोलिएशन किन्तु देखते पावा जाए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नम्बर प्रश्न तुम्हारा देखे नाओ कर्कट क्रांति रेखार कार पास दिए जाए माने कौन जेल माने जेलार पास दिए कौन राज्य पास दिए जाए जेला नहीं राज्य ही आछे मध्य प्रदेश पश्चिमबंग राजस्थान ना उड़ीसा। तो तुम्हारे 8 नम्बर जो प्रश्नटी आछे 8 नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हलो अपशन डी अर्थात उड़ीसा। मध्य प्रदेश पश्चिमबंग राजस्थान तीनटेर ऊपर दिए क्योंकि कल कराप्शन रेखाटी गेछे बाट ओड़िशार ऊपर दिए क्योंकि सेटा जायनि। ठीक है बंधुरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेशेर तुम्हारे राजधानीर नाम कि? ठीक है, तो उत्तर प्रदेशेर जो राजधानी बला है सेटा हलो इम्फल, लखनऊ, रायपुर ना ईटानगर। तो तुम्हारे उत्तर प्रदेशेर राजधानी हलो तुम्हारे लखनऊ, अर्थात अपशन बी हलो तुम्हारे एखाने सठिक उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओजोनेर यदि परिमाप करा हय एक्शन बंधुरा। हाँ ठीक है, ओजोनेर परिमाण हिसेबे माने हिसेबटा कार किसेर द्वारा प्रकाश करा हय? ओजोनेर ग्राम, लिटार, मीटार ना डाउन? तो तुम्हारे सठिक उत्तर हलो ओजोनेर परिमाप करा हय। एखाने बंधुरा 10 जो अपशनटी आछे सेखाने डाउन एखाने बला आछे, बाट डाउन एखाने ग्रामेर ओजोनेर परिमाप किसेर द्वारा प्रकाश करा हय? ठीक है, एखाने अपशनगुलोर मध्य जो बला है ताहले एखाने ग्रामी होबे। ठीक है, ओजोनेर जो परिमाप करा हय। ठीक है, एखाने बाकी अपशनगुलो कोनोभाबे सैटिस्फाई करछे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। ठीक है, गति परिवर्तनेर हार के कि बला हय? द्रुति, बेग, त्वरण ना बंधन? तो तुम्हारे 11 नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हलो द्रुति है। एबार तुम्हारा तो बोलते पारो एटा बेगो होते पारे, किन्तु बंधुरा बोले दी गति परिवर्तनेर हार जो एक निर्दिष्ट समय सापेक्षे हय एबं सेटा यदि एक निर्दिष्ट दिके जाय यदि बला हय, अर्थात बेग एक भेक्टर राशि, तबेई सेटा बेग बला जाबे। किन्तु एखाने किन्तु निर्दिष्ट दिक बोले कोनो कोथाय उल्लेख नेई, सेई कारणे एटा अवश्यई द्रुति है। सो अपशन ए है तुम्हारे एखाने सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नम्बर प्रश्न, ভিটামিন ই এর रासायनिक नाम कि? टोकोफेरल, फाइलोकुइनिन, राइबोफ्लोविन ना पाइरिक्सिन? तो तुम्हारे 12 नम्बर जो प्रश्नटी आछे 12 नम्बर प्रश्न तुम्हारे सठिक उत्तर हलो तुम्हारे टेकोफेरल। अच्छा, ये टोको है ना बंधुरा, ये अपशन इ है तुम्हारे, अपशन ए है सठिक उत्तर, अर्थात टेकोफेरल है तुम्हारे एखाने सठिक उत्तर। भिटामिन इ एर जो रासायनिक नाम है से टेकोफेरल, बाट एटा टोको ना, टेकोफेरल है तुम्हारे एखाने सठिक उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जे के श्रेणी रक्त के सर्वजनीन ग्रहीता बला है ता हलो ए, बी, ओ ना ए बी? ठीक है बंधुरा, तो तुम्हारे 13 नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हलो अपशन डी, अर्थात ए बी हलो सर्वजनीन ग्रहीता और दाता जो बला है ताहले किन्तु हबे तुम्हारे ओ हबे तुम्हारे सठिक उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नम्बर प्रश्नटी आछे तुम्हारे सामने देखो, उद्भिदेर कोन अंश थेके हलुद पावा जाय? मूल, फल, बीज ना कांड थेके? तो बंधुरा जो 14 नम्बर तुम्हारे जो प्रश्नटी रही है 14 नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हलो से हलो अपशन डी हलो तुम्हारे सठिक उत्तर। कांड थेके किन्तु आमरा हलुद जेटा पाई सेटा किन्तु एकटा कांडोरी एकटा अंश। ठीक है, सो अपशन तुम्हारे डी हबे एखाने सठिक उत्तर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अडिटरी स्नायु कत नम्बर करटी स्नायु? आमादेर जे सकल करटी स्नायुगुलो रयेछे तार मध्य अडिटरी स्नायुटा कत नम्बर? तो सेटा सप्तम, अष्टम, नवम ना दशम? तो तुम्हारे 15 नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हलो अपशन बी, अर्थात अष्टम हलो तुम्हारे एखाने सठिक उत्तर। ठीक है बंधुरा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एगिए आछि देखो, जीवेर अग्रभागे माने सामनेर दिके कोन स्वाद अनुभूत हय? मिष्टि, झाल, तेतो ना टक? तो आमादेर जे जीवेर अग्रभाग आमादेर जीवेर अग्रभागे जेटा अनुभूत हय जे स्वाद सेटा हलो तुम्हारे मिष्टि, अर्थात अपशन ए हलो तुम्हारे एखाने सठिक उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइटोसिस कोन दशाटी दीर्घस्थायी? माने माइटोसिसेर कोन दशाटा अनेकक्षण धरे घटे थाके? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज ना सबकटी? तो एर मध्य जो सबचेये बेशिक्षण धरे हय सेटा हलो प्रोफेज, अर्थात अपशन ए हलो तुम्हारे एखाने सठिक उत्तर। मोस्ट इम्पर्टेंट क्वेश्चन, मानुषेर शरीरे कयटी क्रोमोजोम आछे? ठीक आछे, 22टी, 23टी, 46टी ना 44टी? तो तुम्हारे 18 नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हबे सेटा हलो तुम्हारे 46टी बा 23 जोड़ा। ठीक है, तुम्हारे अटोजोम हलो 22 जोड़ा और सेक्स क्रोमोजोम हलो 1 जोड़ा, अर्थात 23 जोड़ा, माने टोटाल हलो तुम्हारे 46टी। ठीक है, संचायक कोषे कौन पदार्थटी व्यवहार करा हय? कपार, लेड, अ্যালুমিনিয়াম ना जिंक? तो संचायक कोषे जेटा व्यवहार करा हय सेटा हलो तुम्हारे अपशन बी, अर्थात लेड ना बंधुरा, लेड हबे, लेड हलो तुम्हारे एखाने सठिक उत्तर, अर्थात अपशन बी हलो तुम्हारे एखाने सठिक उत्तर। भारतेर पारमाणविक शक्ति कमिशनेर रेयर आर्थ प्लांट कोथाय अवस्थित? तो तुम्हारे 20 नम्बर प्रश्न जो अपशनगुलो रयेछे सेगुली हलो आलोए, जोदुग्दा, हैदराबाद ना तालचेर? तो एर जो सठिक उत्तर हलो सेटा हबे तुम्हारे आलोएते आछे, बाट एखाने तालचेरेओ एखाने होते पारतो। जाइ होक बंधुरा, एखाने सठिक उत्तर अपशन ए हबे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो अपशन ए हबे एखाने सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकटी शमित लवणेर उदाहरण दाओ। সেটা তোমাদের কি হতে পারে, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম বাইকার্বনেট। সোডিয়াম বাইকার্বনেট, এই সোডিয়াম বাইকার্বনেট যেটা আমাদের খাদ্য লবণ না, সেটা হিসেবে ব্যবহার করা হয় সোডিয়াম বাইকার্বনেট বা কোনোটিই নয়। তো তোমাদের যদি সমিত লবণ হিসেবে কোনো যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা হলো তোমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড, অর্থাৎ অপশান এ হবে তোমাদের এখানে সঠিক উত্তর। কিন্তু বাইকার্বনেট আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি, যেটা আমরা খাবারের লবণ হিসেবে গ্রহণ করি। লোহার মরিচার গঠনের ফলে কী তৈরি হয়, হাইড্রোজেন, সালফার ডাইঅক্সাইড, সোডক ফেরিক অক্সাইড না কোনোটিই নয়। তো তোমাদের 22 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হলো সোডক ফেরিক অক্সাইড। ঠিক আছে, লোহার উপরে যে মরিচা গঠন হয় জলীয়বাষ্পের ফলে, সেটার ফলে যেটা উৎপন্ন হয় সেটা হলো সোডক ফেরিক অক্সাইড। কোন পরিকল্পনা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সবথেকে বেশি ব্যয় করা হয়, কোন পরিকল্পনাতে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী, দ্বিতীয়, তৃতীয় না চতুর্থ? তো তোমাদের বন্ধুরা বলে দিই, প্রথম যে পরিকল্পনাটি ছিল সেই পরিকল্পনায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা হয়েছিল, অর্থাৎ অপশান এ হবে তোমাদের এখানে সঠিক উত্তর। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল, দাম নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সমস্যা দূরীকরণ, ভারতের অর্থনীতির পুনর্গঠন না ওপরের সবকটি? তো অ্যাকর্ডিং টু দিস মানে অপশান আর কি, এই অপশানগুলোর মধ্যে তো অ্যাকচুয়ালি যে সময় ওই সময় কৃষিতে জোর দেওয়া হয়েছিল, তো কৃষি সম্পর্কিত যেটা সেটা এখানে অপশান বি আছে, খাদ্য সমস্যা দূরীকরণ। সো অপশান বি হবে এখানে তোমাদের সঠিক উত্তর। অ্যাকচুয়ালি যেটা ছিল সেটা কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের উপরে মেনলি কিন্তু এই মুহূর্তে জোর দেওয়া হয়েছিল। ভারতের কোথায় সবথেকে বেশি কফি উৎপাদন করা হয়, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র না তামিলনাড়ুতে? তো তোমাদের অ্যাকর্ডিং টু দিস অপশান তোমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ, অর্থাৎ কর্ণাটকে ভারতের সবচেয়ে বেশি কিন্তু কফি উৎপাদন করা হয়ে থাকে। কী রপ্তানি করে ভারত সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে, চর্মদ্রব্য, হস্তশিল্প, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম না ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য? তো তোমাদের 26 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যেটা রপ্তানি করে ভারত কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা কিন্তু অর্জন করে থাকে। সো অপশান সি হলো তোমাদের এখানে সঠিক উত্তর। 27 নম্বর প্রশ্নটি হলো পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কত সালে স্থাপন করা হয়, 1884, 1880, 1890 না 1892 সালে? তো তোমাদের 27 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো অপশান এ, অর্থাৎ 1884 খ্রিস্টাব্দে আমাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকটি স্থাপন করা হয়েছিল। ভারতে কবে প্রথম সার্ভিস চালু করা হয়, বন্ধুরা এখানে কোন সার্ভিস এখানে ঠিক উল্লেখ নেই, যাই হোক এই জন্য এই প্রশ্নটা আমি এখানে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, এখানে কী সার্ভিস এখানে সঠিক করে উল্লেখ নেই। তো 28 নম্বরটা আমি স্কিপ করে নিচ্ছি। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, পানিপথে তৈল শোধনাগার কোন ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে, সরকারি ক্ষেত্র, বেসরকারি ক্ষেত্র, জয়েন্ট ক্ষেত্র না সমবায় ক্ষেত্র? পানিপথে যেটা তৈল শোধনাগার গড়ে উঠেছে সেটা হলো আমাদের অবশ্যই সরকারি ক্ষেত্র, সরকারিভাবে কিন্তু এই পানিপথের যে তৈল শোধনাগার সেটা কিন্তু স্থাপন করা হয়েছে। আজকে যে লাস্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের দেখো, হেভি ইলেকট্রনিক লিমিটেড কোথায় অবস্থিত, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, উত্তরপ্রদেশ না মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত? তো অ্যাকর্ডিং টু দিস অপশানস অপশান বি হলো তোমাদের সঠিক উত্তর। ব্যাঙ্গালোরে কিন্তু আমাদের হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেড গড়ে ওঠে, যেটা আমাদের টেকনিক্যাল হাব হিসেবে ভারতবর্ষে বিখ্যাত। তো বন্ধুরা আজকের যে 30খানা প্রশ্ন সেটা সম্পূর্ণটা তোমাদের কাছে এখানে গোটাটা কমপ্লিট করে দিয়েছি। আমি আশা করি গোটাটা এলাবোরেট যা যা করেছি, যে যে প্রশ্ন সেগুলো তোমরা টোটালটা নোট ডাউনও করে নিয়েছো। এই সম্পূর্ণ প্রশ্নের যে সম্পূর্ণ ফ্রি ইবুক পিডিএফটা তোমরা পেয়ে যাবে টেলিগ্রাম চ্যানেলে, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে, সেই কারণে তোমরা যুক্ত থেকে যাও। এবং তোমাদের যদি ভালো লাগে তাই ভিডিওটা অবশ্যই তোমরা কিন্তু সেটা শেয়ার করতে ভুলবে না। তোমরা যেখানে যেখানে যুক্ত আছো হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, যে সকল গ্রুপগুলোতে, সেগুলোতে অবশ্যই শেয়ার করো। এবং তোমরা যদি চ্যানেলে নতুন ভিজিট করে থাকো তাহলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন রেখো। তো বন্ধুরা আজকের মতো এতটাই, কালকে পুনরায় সন্ধ্যা 6টার সময় তোমাদের সঙ্গে পুনরায় দেখা হবে। তোমাদের যে কোনো মন্তব্য থাকলে সেটা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারো। এবং যদি তোমাদের যে কোনো কাজের বিষয়গুলো যেগুলো তোমাদের রয়েছে তার সমস্ত ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। তো বন্ধুরা আজকের মতো এতটাই, নমস্কার।